हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ आलू समोसे की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो समोसे बनाने के लिए हम सबसे पहले समोसे की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए है 3-4 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून क्रश किया हुआ धनिया, और मैंने ये कुछ लिए है सूखे मसाले, जिसमें है रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, चाट मसाला, मैंगो पाउडर और गरम मसाला। आलू मैंने लिए है 6-7 मीडियम साइज़ के, कि मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे इसे। और आधा कप हरा वटाना लिया है, जो पहले से मैंने बॉईल कर लिया है इसे। और ये मैंने कुछ लिए है पुदीना, और थोड़ा सा धनिया लिया है, और इसे हम रख देते हैं साइड में। इसके बाद हम आलू मैश करना स्टार्ट करते हैं। अब हम आलू को मैश कर लेंगे अच्छे से, और बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है आलू को। सो ये मैंने आलू मैश कर लिए, बस इसी तरह से हमें मैश करना है। अब हम आलू को बघाड़ देते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और इसमें मैं ज़ीरा डाल देती हूँ, और थोड़े टाइम के लिए हमें इसे सॉटे करना है। और इसके बाद हम अदरक डाल देंगे, इसे कुछ सेकंड के लिए हम इसे भून लेते हैं। अब हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे, इसे भी हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे, और फिर ये क्रश धनिया। इसके बाद हम डाल देंगे ये हरा वटाना, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैं सारे सूखे मसाले डाल रही हूँ, और चाट मसाला मैं एंडिंग में डालूंगी, बाकी के मैं मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ। तो हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू मैश किया हुआ, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में हम धनिया और पुदीना डाल देंगे इसमें कटा हुआ, और इसे हम फिर से मिला लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से। देखिए इस तरह से आलू होने चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा मैश नहीं होने चाहिए। इसमें अभी हम नमक ऐड कर लेते हैं, और ये लास्ट में मैं चाट मसाला ऐड करूँगी इसमें, और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो अब समोसे की फिलिंग बन के रेडी हो गई है। इसे अब मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। मैं समोसे के पट्टी में बना रही हूँ ये, तो इस तरीके का समोसे का पट्टी रहता है। तो इसे हम बनाते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल शेप देंगे इसे, फिर उसके बाद में इसे फोल्ड करके एक कोन बना लेंगे। इसमें थोड़ा आलू ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से हमें टाइट फोल्ड करना है, ताकि ये फ्राई करने के टाइम ऑयल अंदर ना जाए। तो इस तरह से हम इसे टाइट फोल्ड करेंगे, टाइट मतलब के अच्छी तरीके से हमें पैक करना है इसे, और ध्यान रखना है कि पट्टी टूटे मत। और इसके ऊपर मैं ये आटा लगा लेती हूँ स्टिक करने के लिए, ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया था, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से गाढ़ा बना लिया था। तो ये जो साइड में गैप है, मैं इसको भी फिल कर देती हूँ, ताकि इसके अंदर ऑयल ना जाए। सो ये समोसा बन के रेडी है। तो इसी तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे। तो ये देखें, मैंने ये सारे समोसे बना लिए हैं। तो आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्रीज़र में 10 दिन के लिए। तो मैं कुछ इसमें स्टोर कर दूंगी, और कुछ फ्राई कर लूंगी। ये मैंने रख दिया है फ्रीज में रखने के लिए, तो ये मैं फ्रीज में रख दूंगी, और मैं कुछ समोसे आप लोगों को फ्राई करके भी बता देती हूँ। तो ये हम समोसे फ्राई कर लेते हैं ऑयल में, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और ये अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। सो गाइज, इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट में बताना। और आई होप आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी हो।
सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।